हेलो फ्रेंड्स, देव ऑनलाइन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी होम साइंस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का एग्जाम फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं और आप फीस पेमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर से, रेगुलर, प्राइवेट और एक्स स्टूडेंट का। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं एग्जाम फॉर्म फिलअप करके और फीस पेमेंट करके। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन बटन है उसे भी ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको अपने किसी ब्राउजर में गूगल ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको सर्च बार में क्लिक करके टाइप कर देना है जीबाजी एमपी ऑनलाइन। तो इतना आपको टाइप करके सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने एक फर्स्ट वाली लिंक आ जाएगी jeevaji.mponline.gov.in। इस फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप, आपके सामने इस प्रकार से जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अवेलेबल सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, SIS यानी कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर आपको PhD। इसके अलावा आपको यहाँ पर एनरोलमेंट फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म, रेगुलर, प्राइवेट और PhD। तो यहाँ पर इस सेक्शन में आने के बाद आपको एक लिंक दिखाई देगी यहाँ पर एग्जाम फॉर्म रेगुलर प्राइवेट। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो इस लिंक पर हम क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने इस प्रकार से एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम फॉर्म सबमिशन, ठीक है। तो अब आप यहाँ से अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर फिल करना होगा। तो एनरोलमेंट नंबर आप किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं उस पर हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो उसे आप देख कर जो है अपना रोल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट का जो है एनरोलमेंट नंबर जो है सबसे पहले फिल करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए आप और यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर फिल कर दीजिए चेक करके। एनरोलमेंट नंबर फिल करने के बाद आपको सिलेक्ट यहाँ पर सेमेस्टर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी ईयर है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। तो जो भी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ईयर का फिल कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको सिलेक्ट ईयर टर्म्स, इसमें आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको मार्च 2021 ए वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है 2021 वाला ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट स्टेटस में रेगुलर, प्राइवेट, जो भी स्टूडेंट का स्टेटस है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आप रेगुलर का फिल कर रहे हैं तो रेगुलर सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो कैप्चा कोड शो कर रहा है वो आपको टोटल करके इस बॉक्स में फिल कर देना है। तो यहाँ पर हम फिल कर देते हैं इसे। फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने स्टूडेंट की जो डिटेल्स है वो आ चुकी है। यहाँ पर फोटो सिग्नेचर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नेम, कॉलेज नेम, इसके अलावा यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर और जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट होगा आपको वो शो करेगा, PSC वगैरह, ठीक है। तो जो भी क्लासेस है, ब्रांच है, और यहाँ पर फर्स्ट ईयर आ चुका है लेखा और 2021, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एड्रेस शो कर जाएगा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट की जो फीस पेमेंट करनी है वो आपको यहाँ पर शो करेगी और इसके बाद आपको यहाँ पर पोर्टल चार्ज जो शो करेगा वो आपको नीचे कर जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद आपको लास्ट में यहाँ पर टोटल जो आपको फ़ीस पेमेंट करनी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1910 रुपये यहाँ पर स्टूडेंट की फ़ीस पेमेंट करनी होगी एग्ज़ाम फॉर्म के लिए। और यहाँ पर आपको स्टूडेंट के जो भी सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर शो कर जाएंगे, तो आप इन्हें चेक कर लीजिए एक बार पूरी डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपके फाउंडेशन या जो भी आपके सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ चुके हैं कोर्सेस, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना जो कि आप इसे रीड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक डिक्लेरेशन मिलेगा, ठीक है, चेक मार्क करने के लिए, जिस पर आपको चेक मार्क या टिक करना होगा एग्जाम फॉर्म सबमिट करने से पहले। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं चेक मार्क जैसे ही आ जाता है आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने एक स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर आ जाएगा यहाँ पर एग्जाम फॉर्म के लिए, तो जिसे आप कॉपी या नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे एप्लीकेशन नंबर को।
कॉपी करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं भुगतान नहीं है, यहाँ पर लिखा आ चुका है सबमिट हो चुका है फॉर्म। अब हम यहाँ पर पेमेंट करने वाले हैं, तो पेमेंट के लिए आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट और प्रोसीड टू पेमेंट, तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है पेमेंट करने के लिए। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट के लिए ऑप्शन आ चुके हैं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, IMPS, UPI और वॉलेट। तो जो भी आप मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पर आपके पास पेटीएम का डेबिट कार्ड है या फिर SBI कार्ड के माध्यम से आप करना चाहते हैं या फिर किसी भी बैंक के माध्यम से करना चाहते हैं, तो आपको ऑल मेजर बैंक की लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ट्रांजेक्शन ID आ जाएगी, जिसे आप नोट कर लीजिए। अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो आप इसे रिफंड ले पाएंगे, तो इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपकी जो टोटल आपको फ़ीस पे करनी है वो यहाँ पर आ चुकी है, देख सकते हैं 1910 रुपये। और यहाँ पर अब आपको एक बार और जो पेमेंट की मेथड है वो जो आपको यहाँ पर शो कर जाएगी, तो जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने डेबिट कार्ड सिलेक्ट कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है, चेक करके। तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड के ऊपर ही नंबर शो कर जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड की जो एक्सपायरी मंथ और ईयर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर CVV कोड, जो कि आपको डेबिट कार्ड के पीछे की साइड देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको कार्ड होल्डर का नेम फिल करना है, ठीक है, जिसके नाम से भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग है तो वो आप यहाँ पर। इसके बाद आपको फिल करने के बाद मैक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्लीज वेट का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट प्रोसेसिंग में है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट यहाँ पर प्रोसेसिंग में, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं अचोका यूआर पेमेंट हैज बीन डन, और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर और ट्रांजैक्शन आईडी, डेबिट कार्ड, ठीक है, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन आईडी है वो यहाँ पर, और पेमेंट स्टेटस यहाँ पर डन, और आपको पेमेंट की डेट और टाइम यहाँ पर शो कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा आ चुका है, आप देख सकते हैं भुगतान है, तो जो हमारा पेमेंट है वो कम्प्लीट हो चुका है, भुगतान कम्प्लीट हो चुका है। अब आपको लास्ट में आना है नीचे स्क्रॉल करके, और यहाँ पर आपको मिलेगा एक प्रिंट का ऑप्शन, तो आपको इस प्रिंट बटन पर क्लिक कर देना है। प्रिंट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना जो भी प्रिंटर है वो सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ से आप प्रिंट आउट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे जो है PDF के रूप में भी सेव कर सकते हैं। तो हम इसे सेव कर लेते हैं इस एग्ज़ाम फॉर्म को, और आप चाहें तो इसका बाद में प्रिंट आउट ले पाएंगे, सेव कर सकते हैं फ्रेंड इस प्रकार से। तो फ्रेंड ये था एक कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने का। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आएगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए, और इस साइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस साइट पर विजिट करके अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यही थी एक छोटी सी अपडेट और छोटी सी आपके लिए एक जानकारी। अगर आपका कोई भी सवाल या फिर डाउट है फ्रेंड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट करना तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़।